ऐसा लगता है कि जो हमारे देश में आने वाले सप्ताह में या महीने में चुनाव होने वाले राज्य विधानसभाओं के चुनाव, उसमें कांग्रेस की पुनर्जीवन की कुछ संभावनाएं दिख रही हैं। खासतौर पर तेलंगाना में उसकी जीत को लेकर जो भविष्यवाणी की जा रही है, जो आशाएं प्रस्तुत की जा रही हैं, उससे कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता भी काफी उत्साहित हैं। आपको क्या लगता है कि तेलंगाना की राजनीति में कांग्रेस का जो उदय है, क्या वो देश की राजनीति पर दूरगामी प्रभाव पड़ेगा, क्या सच में यह उदय संभव है? देखिए, तेलंगाना से आ रही खबरें इसलिए आश्चर्यजनक हैं कि अभी से 3 महीने पहले जब एक सर्वेक्षण हुआ था तो उस वक्त के चंद्रशेखर राव की पार्टी भारत राष्ट्र समिति के बारे में बताया गया था कि वो कांग्रेस से 9% आगे है। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि जो पार्टी 3 महीने पहले के सर्वेक्षण में अपनी प्रमुख प्रतिद्वंदी कांग्रेस से 9% आगे दिख रही थी, वो ताजे सी वोटर के सर्वेक्षण में वो कांग्रेस से वोटों के मामले में, संभावित वोटों के मामले में पिछड़ी हुई दिखाई पड़ रही है। दोनों के बीच में 39 और 37-38% का फर्क है, लेकिन कांग्रेस आ गई है, जो कांग्रेस 9% पीछे थी। तो इसके दो कारण हो सकते हैं। पहला कारण तो यह है कि कांग्रेस ने न केवल तेलंगाना में बल्कि पूरे देश में अपनी छवि बेहतर की है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने अपनी छवि बेहतर की है और कांग्रेस के नए अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कुछ इस तरह के कदम उठाए हैं जिससे कांग्रेस को सांगठनिक दृष्टि से बहुत फायदा हुआ है। होता यह था कि जब तेलंगाना बना, यानी आंध्र प्रदेश से विभाजित होकर तेलंगाना अलग राज्य बना, तो उसका जितना भी राजनीतिक लाभ है वो पूरा का पूरा के चंद्रशेखर राव के खाते में चला गया। हालांकि सोनिया गांधी को भी उस राज्य को विभाजित करने का श्रेय दिया जाता है। तो राजनीतिक समीक्षकों ने कांग्रेस का एक तरह से उपहास करते हुए कहा कि इन्होंने तेलंगाना बनाया और अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली, क्योंकि जो जो संयुक्त आंध्र प्रदेश था वहां पर कांग्रेस की बड़े पैमाने पर जीतें होती थी और उसके जरिए कांग्रेस राष्ट्रीय राजनीति में, क्षेत्रीय राजनीति के साथ साथ राष्ट्रीय राजनीति में भी अपना दबदबा जारी रखने में समर्थ होती थी। आंध्र प्रदेश की जो बहुत ही मजबूत और पारंपरिक रूप से प्रभावशाली जाति है रेड्डी जाति, दो बड़ी जातियां हैं, एक रेड्डी और एक कम्मा। तो जो रेड्डी जाति है उस रेड्डी, वो रेड्डी जाति का समर्थन पूरी तरीके से कांग्रेस के साथ था। कांग्रेस रेड्डियों की पार्टी मानी जाती थी अगर सरलीकृत तरीके से इस बात को कहें। जो आंध्र प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री हैं जगन रेड्डी, उनके पिता YSR रेड्डी कांग्रेस के अध्यक्ष थे और उन्होंने तेलुगु देशम को, जो कम्माओं की पार्टी मानी जाती थी और जो बहुत मशहूर फिल्म स्टार मशहूर फिल्म स्टार इसके नेता थे, हाँ एंटी राम, नंदमूरी तारक रामाराव इसके नेता थे और बाद में उन्हीं के दामाद इस पार्टी को चला रहे थे। जी हाँ, चंद्रबाबू नायडू इस पार्टी के कर्ता थे, वही सबसे बड़े प्रबंधक थे, अब तक के वो एंटी रामाराव से अलग नहीं हो गए। तो उसके खिलाफ जबरदस्त पद यात्राएं, प्रदर्शन, लगातार सांगठनिक सक्रियता करके YSR शेखर रेड्डी ने कांग्रेस को एक बहुत ऊंचे मुकाम पर पहुंचाया था। फिर दुर्भाग्य से एक दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद में उनके बेटे जगन रेड्डी ने दावा किया कि उसे उन्हें कांग्रेस तुरंत मुख्यमंत्री बना दे, जो सोनिया गांधी ने स्वीकार नहीं किया। उसके बाद आला कमान में और जगन रेड्डी के बीच में लंबा संघर्ष चला, उसमें जगन रेड्डी को जेल भी रहना पड़ा और अंततः कांग्रेस के साथ में जो रेड्डियों का सामाजिक समर्थन था वो हट गया और उस हटने के कारण कांग्रेस को सामाजिक आधार पर और राजनीतिक आधार पर आंध्र प्रदेश की राजनीति में, विभाजित आंध्र प्रदेश की राजनीति में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। ऐसा नुकसान हुआ जिससे वो अभी तक नहीं उभरी है। लेकिन तेलंगाना के अलग हो जाने के बाद में कांग्रेस के नेतृत्व को लगा कि वो आंध्र प्रदेश में रेड्डियों की पार्टी शायद नहीं रह गई है, लेकिन वो तेलंगाना में रेड्डियों की पार्टी बन सकती है, मतलब रेड्डी द्वारा संचालित पार्टी बन सकती है। और इसका ख्याल रखते हुए उन्होंने के रेवंत रेड्डी नाम के एक नेता को तेलंगाना में अपना अध्यक्ष बनाया कांग्रेस ने। तो रेवंत रेड्डी ने बहुत बड़े पैमाने पर मेहनत की और पार्टी को सक्रिय किया और बहुत ही आक्रामक तरीके से अपनी सारी राजनीति की। इसका कांग्रेस को धीरे धीरे करके वहां लाभ होने लगा। रेड्डियों ने भी समर्थन दिया और कांग्रेस ने पूरी कोशिश की कि ओबीसी जातियों के अंदर भी अपनी घुसपैठ करे और दलितों के अंदर भी घुसपैठ करे, क्योंकि
के चंद्रशेखर राव की सरकार में दलितों के ऊपर अत्याचार बढ़े थे, हालांकि वो दलितों को सब्सिडी देने वाली दलित बंधु स्कीम उनकी राष्ट्रीय स्तर पर बहुत चर्चित थी। इधर भारतीय जनता पार्टी ने 2019 के चुनाव में तेलंगाना की राजनीति में जबरदस्त हस्तक्षेप किया। उन्होंने बंडी संजय नाम के एक नेता को, जो कि मुन्नार कापू जाति के थे, उनको अपना अध्यक्ष बनाया। और वो एक पिछड़ी जाति थी और उन्होंने बहुत मेहनत करके पिछड़ी जातियों में अपने कदम जमाने शुरू किए। और जिस तरह से बीजेपी का उभार हुआ, बीजेपी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में 4 सीटें जीती और उसमें के चंद्रशेखर राव की बेटी कविता भी अपना चुनाव हार गई, तो उससे ही लगा कि भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना की राजनीति में बहुत बड़े धमाके के साथ में उभरने वाली है। तो आमतौर पर अंदाजा ये था कि कांग्रेस पिछड़ रही है 3 महीने पहले, के चंद्रशेखर राव बहुत आगे हैं और भारतीय जनता पार्टी दूसरे नंबर पे होगी और कांग्रेस तीसरे नंबर पे फिसल जाएगी। लेकिन अब जो नजारा सामने आ रहा है वो बिल्कुल बदला हुआ है। बदला हुआ नजारा ये है कि कांग्रेस नंबर एक की पार्टी दिख रही है, केसीआर की पार्टी से उसकी बहुत करारी टक्कर है, लगभग दोनों बराबर बराबर है, लेकिन कांग्रेस एक कदम उनसे आगे है और भारतीय जनता पार्टी बहुत पीछे है। उसे लोकसभा चुनाव में जो 20% वोट मिला था उससे बहुत कम उसका वोट रह गया है और वो बहुत ही पीछे तीसरे नंबर पे, दूरस्थ तीसरे स्थान पर है। ये स्थिति इस वक्त देख रही है। आखिरकार ऐसा हुआ क्यों, इसके ऊपर भी गौर करने की आवश्यकता है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पहलू है उसकी तरफ ध्यान दिया जाए, जिससे लगता है कि वहां पर हुआ यह है कि एक खबर फैली है वहां पर तेलंगाना, और वो खबर ये है कि केसीआर की पार्टी का और भारतीय जनता पार्टी के आला कमान के बीच में एक अघोषित किस्म का समझौता हो गया है। उस अघोषित समझौते के तहत पहला फायदा तो केसीआर को ये हुआ है कि उनकी बेटी कविता, जो दिल्ली के कथित शराब घोटाले में फंसी हुई बताई जा रही थी और उनके खिलाफ भी ईडी के संबंध थे, उनको धीरे धीरे कर उस घोटाले से बाहर निकाला जाता है। एक तो पहला, उसका नाम भी लोग लेना बंद कर देते हैं, तो एक तो पहला लाभ केसीआर को ये होते हुए दिखाई पड़ता है। दूसरा बड़ा लाभ केसीआर को होते हुए दिखाई पड़ता है कि भाजपा का आला कमान बंडी संजय को तेलंगाना से हटा लेता है अध्यक्ष, जबकि वो एक कामयाब अध्यक्ष थे और उनकी वजह से भारतीय जनता पार्टी की सांगठनिक प्रगति हो रही थी, उनको हटा लेता है, उनको दिल्ली ले जाया जाता है, दिल्ली में एक जिम्मेदारी सौंप दी जाती है और फिर जी किशन रेड्डी को भारतीय जनता पार्टी वहां पर अपने संगठन की बागडोर थमा देती है। तो इससे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्तागण और नई जो शक्तियां उसके साथ जुड़ रही थी वो काफी हतोत्साहित होती है। इस परिस्थिति का फायदा उठाकर होता यह है कि भाजपा के कुछ नेताओं को, स्थानीय स्तर के नेताओं को केसीआर अपने पार्टी में मिला लेते हैं और कुछ को कांग्रेस, मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में कांग्रेस अपने साथ कर लेती है और भाजपा इससे और ज्यादा कमजोर हो जाती है। यानी देखिए, ये पिछले 6-7 महीने के अंदर ये सारी की सारी गतिविधियां हो रही हैं। हम लोग उत्तर भारतीय लोग हैं या पश्चिम भारतीय लोग हैं तो हम लोग, या मध्य भारतीय लोग हैं तो हम लोग दक्षिण भारत के जिलों में, जो प्रदेशों में जो राजनीति हो रही है, उस राजनीति से अपने आप को नाकाबिल नावाकिफ रहते हैं, बल्कि हम लोग इतने व्यस्त रहते हैं कि अपने आप को नावाकिफ बनाए रखते हैं। ये हम लोगों की कमी है। तो ये सब राजनीति वहां पे हो रही है। अब केसीआर पे एक श्रेय भी जाता था कि उन्होंने बहुत जबरदस्त लोकोपकारी स्कीमें, एक उनकी बहुत मशहूर लोकोपकारी स्कीम है दलित बंधु योजना, दूसरी है रैयती बंधु योजना, जिसके अंदर बहुत बड़े पैमाने पर सब्सिडी वगैरह दी जाती है कर्ज के रूप में, लेकिन ये सब भी केसीआर के काम नहीं आ रही है। नया सर्वेक्षण ये बताता है कि तेलंगाना की 50% जनता मुख्यमंत्री के रूप में ही उनसे नाराज है, मतलब उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रही है और किसी भी मुख्यमंत्री के खिलाफ, किसी भी नेता के खिलाफ 50% अगर लोग उससे नाराज हैं तो ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। तो ये केसीआर की स्थिति है, जो आगे थे वो पीछे हो गए हैं और ये ऐसा लग रहा है कि और भी ज्यादा थोड़े पीछे जाएंगे जब तक चुनाव वहां पर होगा। वहां का जो समुदाय है तेलंगाना का, वो केसीआर से नाराज लग रहा है, बावजूद इसके कि दलित बंधु स्कीम में काफी उनको सब्सिडी मिलती है। जो रैयती बंधु स्कीम है उसके मुकाबले कांग्रेस ने एक रैयती भरोसा स्कीम लागू कर दी, का वायदा कर दिया, तो वो उसमें ज्यादा तरह के किसानों को समेट लिया गया है, उसमें काश्तकारों को भी समेट लिया गया है
और उसमें जो खेत मजदूर हैं उनको भी समेट लिया गया, उनको भी सब्सिडी मिलेगी। तो वो लोग, किसानों को लग रहा है कि कांग्रेस की जो स्कीम है वो ज्यादा फायदेमंद है हमारे लिए। तो ये एक ऐसी स्थिति बन गई है वहां पर। तो मुझे लगता है कि तेलंगाना के समाज के अगर ऊपर आप गौर करें तो वहां पर 10% से ज्यादा मजबूत जातियां और ऊंची जातियां नहीं है। मजबूत जातियों में के चंद्रशेखर राव की अपनी जाति, वो छोटी जाति वेलमा जाति के हैं, वो भी है और रेड्डी है और दूसरे जो द्विज जातियां अपर कास्ट जिनको आप लोग कहते हैं वो भी हैं। बाकी 90% समाज जो है उसमें 50% पिछड़े हैं, उसके अंदर करीबन 16% दलित हैं, उसके अंदर 9% आदिवासी हैं, 13% मुसलमान हैं, और ये सब करके एक 90% का संसार बनता है। और सारी प्रतियोगिता 90% वोटरों के बीच में चल रही है, और कांग्रेस ने 90% वोटरों की गोलबंदी करने के प्रयासों में दूसरी पार्टियों को पीछे छोड़ दिया है। भाजपा ऐसा लगता है कि अपनी ही सांगठनिक कारीगरियों का शिकार हो गई है, जिसको ओवर स्मार्टनेस बोलते हैं, भाजपा खुद उसी की शिकार हो गई है। और धीरे धीरे करके के चंद्रशेखर राव अपने खिलाफ 10 साल में जो एंटी इनकम्बेंसी जमा हुई थी उसकी काट नहीं ढूंढ पा रहे हैं, और उनकी जो पहले से योजनाएं जो बहुत लोकप्रिय मानी जाती थी और समझा जाता था कि वो उनकी 2 बार धमाकेदार जो जीत हुई उनको तेलंगाना का बाहुबली बोला जाता था के चंद्रशेखर राव को, ये हालत थी। वो इतने ज्यादा चुनाव जीतते थे उनका भाव। और पिछली बार लेकिन क्या हुआ, पिछली बार जब हैदराबाद महानगर पालिका का चुनाव हुआ तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने उनको बहुत परेशान किया, और वो तो एक ऐसा चुनाव था इसके अंदर प्रधानमंत्री भी चले गए थे भाषण देने के लिए। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि तेलंगाना में कौन कौन सी राजनीतिक शक्तियां कौन कौन सा खेल खेल रही हैं, और यहां पर कांग्रेस की वापसी होती हुई दिखती है। ये चीज कांग्रेस के लिए बहुत ही उत्साहवर्धक है, क्योंकि कांग्रेस के बारे में ही तो माना जाता था कि वो मध्य प्रदेश में चुनाव जीत सकती है, छत्तीसगढ़ में बहुत चुनाव उसके चुनाव जीतने की संभावना बहुत अधिक है, और राजस्थान में वो टक्कर दे रही है। लेकिन तेलंगाना कांग्रेस के लिए एक बहुत ही सुखद समाचार लेके आया। एक खबर आज ये आई है कि जो राजशेखर रेड्डी की बेटी हैं शर्मिला, जो कि राहुल गांधी सोनिया गांधी से मिली थी और वो कांग्रेस में अपनी पार्टी का विलय करना चाहती थी, आज ये खबर आई है कि वो शायद अकेले चुनाव लड़ेंगी और 2 जगहों से चुनाव लड़ेंगी। तो क्या इसे मान सकते हैं कि रेड्डी और एक अलग शर्मिला रेड्डी के आने से कोई कंफ्यूजन ना हो, कोई भ्रम ना पहले, इसके कारण से कांग्रेस ने रेवंत रेड्डी को ही ज्यादा प्राथमिकता दी? देखिए, कांग्रेस अपने स्थानीय जो नेता है और उनकी जो गतिशीलता है उस गतिशीलता को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। भाई जब वो लगातार अच्छा काम कर रहे हैं तो क्यों फिर उसमें से शर्मिला रेड्डी को ले आया जाए और उनके उनके ताकि उनको एक चैलेंजर, उनको चुनौती देने वाला एक व्यक्ति, एक ध्रुव बन जाए वहां पर कांग्रेस अंदर। ये कांग्रेस नहीं करना चाहती। कांग्रेस अभी उछाल पर है, ऐसा करके वो अपने उछाल को क्यों गड़बड़ करेगी कांग्रेस? मेरे ख्याल से अगर उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने मिलकर ये निर्णय लिया है तो ये बुद्धिमानीपूर्ण निर्णय है। मुझे लगता है कि ये निर्णय कांग्रेस को लाभ पहुंचाएगा, और जब लोक विधानसभा चुनाव हो जाएगा फिर से पार्टी बैठकर राजनीतिक शक्तियों का और उनके संतुलन का नए सिरे से आकलन कर सकती है। एक चीज और है कि जो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है उसका गठबंधन है के चंद्रशेखर राव की पार्टी से वहां पर, और अगर कांग्रेस वहां पर अच्छा प्रदर्शन करती है तो ये भी एक संदेश आएगा कि हो सकता है कि हैदराबाद के कुछ इलाकों में मुसलमान ओवैसी के साथ हों पर उनके राज्य में भी और राज्य से बाहर भी शायद मुसलमानों पर उनकी उतनी पकड़ नहीं है और वो कांग्रेस की तरफ ज्यादा जा रहे हैं, ऐसा हो सकता है? देखिए, 13-14% मुसलमान है तेलंगाना में, जो कि एक बड़ी संख्या है। अगर ये मुसलमान पूरे तेलंगाना में 1-2 इलाकों को छोड़कर अगर कांग्रेस का साथ नहीं देते हैं तो कांग्रेस का उभार नहीं हो पाएगा। कांग्रेस का साथ देने के लिए बहुत जरूरी है कि ये वोट पूरी तरीके से मुसलमानों के कांग्रेस को मिले। और जब विधानसभा चुनाव में अगर KCR की पार्टी हार जाती है तो मुझे लगता है असदुद्दीन ओवैसी वगैरह को भी अपनी राजनीतिक रणनीति के ऊपर दोबारा विचार करना होगा, क्योंकि अभी तक तो KCR की छवि ये थी कि वो बाहुबली है चुनावों के, लेकिन बाहुबली जब पराजित होता है तो उसका ग्राफ भी बहुत तेजी के साथ गिरता है। एक बात जो आप अक्सर कहते रहते हैं कि भारतीय लोकतंत्र जो है वो अलग अलग नेताओं के लाभार्थियों के संसार में तब्दील हो रहा है, लेकिन KCR के योजनाओं के बारे में भी आपने बताया, लेकिन ऐसा लगता है कि सिर्फ लाभार्थी ही काफी नहीं है किसी को चुनाव जिताने के लिए, शायद प्रतियोगी लाभार्थी बनाने की एक होड़ भी चल रही है
और दूसरी चीज ये भी है कि शायद कुछ और कारक होते हैं जो चुनाव की जीत हार को बताते हैं या उसको तय करते हैं। पहली बात यह है कि नेता के काम करने का तरीका ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे ये लगे कि उसने एक तरह का बहुत ही व्यक्ति केंद्रित निजाम बना दिया है। देखिए लाभार्थियों को अशोक गहलोत भी राजस्थान में बना रहे हैं, इधर आप मध्य प्रदेश में देखिए शिवराज सिंह चौहान भी लाभार्थियों की एक दुनिया खड़ी कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल ने भी लाभार्थियों का संसार बनाया है। आप देखेंगे ये तीनों मुख्यमंत्री चुनाव जीत उनकी पार्टी चुनाव जीते हारे व्यक्तिगत रूप से अलोकप्रिय नहीं है। भूपेश बघेल अलोकप्रिय नेता नहीं है, सबसे आगे हैं। अशोक गहलोत जिस सी वोटर ने ये सर्वेक्षण किया कि वहां भाजपा आगे है अशोक गहलोत से काफी आगे है, जब व्यक्तिगत जो लोकप्रियता का सवाल आता है तो अशोक गहलोत का वहां कोई मुकाबला ही नहीं है, वो भी उन्हीं के सर्वे में निकल के आता है। यानी 60-70% लोग कह रहे हैं अशोक गहलोत की सरकार के कामकाज से वो खुश हैं। और इधर शिवराज सिंह चौहान भले ही उनको उनका आला कमान उनकी उपेक्षा कर रहा हो लेकिन व्यक्तिगत छवि के रूप में शिवराज सिंह चौहान पीछे नहीं है और मुख्यमंत्री के तौर पर वो कमलनाथ से भी आगे माना जाता रेटिंग में, वो कमलनाथ से भी आगे माने जाते हैं। ये केवल के चंद्रशेखर राव हैं जो अपनी अपने लाभार्थियों के बावजूद भी और जो सोशल इंजीनियरिंग उन्होंने की है पिछले 10 साल में उसके बावजूद भी व्यक्तिगत रूप से अलोकप्रिय हो गए हैं वहां पर। ये एक महत्वपूर्ण बात है, कुछ ना कुछ जरूर, जैसे वहां दलितों के ऊपर उनके शासनकाल में काफी अत्याचारों में बढ़ोतरी हुई है, उनकी सरकार के ऊपर भ्रष्टाचार के भी बहुत इल्जाम है। और फिर ये जो हुआ है कि इससे भाजपा को भी नुकसान हुआ है कि भाई केंद्र के साथ आपने एक नापाक गठजोड़ कर लिया है, ये बात सही हो गलत हो कोई नहीं आता, और साथ में केसीआर को भी इसकी वजह से नुकसान हुआ है। जो नेट गेन हुआ है, विशुद्ध फल लाभ हुआ है, वो कांग्रेस को हुआ है इससे। तो इसका मतलब यह है कि तेलंगाना में अगर भाजपा तीसरे स्थान पर रहती है और दूरस्थ तीसरे स्थान पर रहती है तो दक्षिण भारत का दरवाजा तकरीबन उसके लिए पूरी तरीके से बंद हो जाएगा 24 के चुनाव में। नहीं, अब उसने देखिए कर्नाटक में भाजपा ने कोशिश की है कि वो देवगौड़ा की पार्टी के साथ में गठजोड़ करे और लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करे। हाँ, अगर लोकसभा चुनाव में भी भाजपा अच्छा प्रदर्शन कर्नाटक में नहीं कर पाई, मतलब पिछला आंकड़ा दोहराने वाली केवल बात नहीं है, मतलब पिछले आंकड़े के आसपास रहना चाहिए, जरूरी नहीं आप 100% उस आंकड़े को दोहराएं, लेकिन 4-5 सीटें अगर कम होती हैं, बाकी अगर वो सबसे ज्यादा सीटें जीतती है, लेकिन अगर वहां भाजपा की 15 सीटें कम हो गई मान लीजिए कर्नाटक में, तब फिर उसको अच्छा प्रदर्शन नहीं कहा जाएगा। तो ऐसी स्थिति में तब हम ये कह सकेंगे सुरक्षित कि दक्षिण भारत की जो भाजपा की रणनीति है पूरी तरीके से नाकाम है और उसका जो विस्तार है वो दक्षिण भारत के दरवाजे पे आकर ठिटक गया, रुक गया, तब ये बात कही जा सकती है। अभी नहीं कही जा सकती, अभी तो तमिलनाडु में भाजपा को बहुत झटका लगा है, अभी तेलंगाना में भाजपा को बहुत झटका लगता हुआ दिखता है, केरल में उसकी कोई ऐसी खास कोशिश दिख नहीं रही है। तो और कर्नाटक केवल एकमात्र ऐसी जगह है जहां पर भाजपा दिखा सकती है कि वो अभी भी दक्षिण भारत में दक्षिण भारत के दरवाजे पर मौजूद है और दस्तक देके उसको खोलने की कोशिश कर रही है। और आंध्र में भी उसको झटका लगा है क्योंकि एक छोटी पार्टी थी पवन कल्याण की, वो भी एनडीए से बाहर, वो भी छोड़ के चली गई। सही कह रहे हैं।